क्या हुआ? हमें डर लगता है, इनसे कहिए गाड़ी धीमे चलाए। अरे मैं तो इससे भी तेज चलाता हूँ, ऐसे डरने से कुछ नहीं होता। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उठ नहीं हो अरे बाप रे, यहीं कहीं से ले लेंगे, रोड पे लिखा थोड़ी ना था मेड इन जम्मू। अरे रोको जरा, रुको किनारे रुको। मैं बस अभी आया। अरे हाँ, अखरोट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोचो, मैं आता हूँ। अखरोट को अंग्रेजी में वॉलनट कहते हैं। कोई इमरजेंसी है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए और हर दो घंटे में बीपी चेक कीजिए। डॉक्टर प्रवेश जैसे ही आते हैं तो बोलिए मुझसे बात करें। क्या नाम है तुम्हारा? राबिया। ऑपरेशन से पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा। पढ़ना लिखना नहीं जानती होगी। ठीक है, मैं ही भर देती हूँ। पेशेंट का नाम बोलो। थोड़ा बहुत हम भर लेंगे सिस्टर। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। Thank you.
ऐसे नहीं, जैसे ठीक ऊपर लिखा है ना वैसे ही। अभी भी नहीं, ठीक वैसे ही लिखो। छोड़िए ना, हम अंग्रेजी सीखकर क्या करेंगे, हमको विलायत थोड़ी ना जाना है। बैठो बैठो, जबानें सभी आनी चाहिए, ठीक से नाम तक लिखना नहीं आता तुम्हें अपना। ठीक है, सबसे पहले हम आपका नाम लिखते हैं। अच्छा बाबा ठीक है, देखो एस एच ए एच आई डी शाहिद। शाहिद हाँ लिखो। भर दिया फॉर्म? ये कुछ दवाइयां लानी होगी और ये पर्ची काउंटर पर दिखाकर पैसे जमा कर देना। दवाइयाँ नहीं लाई तुम और पैसे भी नहीं भरे, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। हमने ऑपरेशन तो कर दिया है लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, चोटें काफी गहरी आई हैं, अब सारा दारोमदार इनके होश आने पर ही है। वेल, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई। हाँ आपने काउंटर पर पैसे नहीं जमा करवाए और आप दवाइयां भी नहीं लाई। बहरहाल दवाइयों का इंतजाम तो हमने करवा दिया लेकिन बेहतर ये होगा कि आप पैसों का इंतजाम जल्दी से करवा लें। बोलो क्या? आई लव यू।
बोलो वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। अफसर बाहर आई। देखो मिस्टर शाहिद को फिर से आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे खुदा बनकर आए, आप जो चाहे करें जिधर चाहे रखें, पर हमारे शाहिद को ठीक कर दीजिए। हम आपके रहमो करम पर हैं साहब। प्लीज बैठिए बैठिए। देखो राबिया, अब जो मैं तुमसे अर्ज करने जा रहा हूं वो ये है कि शाहिद की हालत अच्छी नहीं है। उनकी तीमारदारी में अभी काफी रकम खर्च होगी, इसलिए बेहतर ये होगा कि उनके करीबी और जो रिश्तेदार हैं उन्हें बुलवा लिया जाए। पर डॉक्टर साहब, उन लोगों को कबर करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है। उनके वालदेन बहुत पैसे वाले हैं और इसी शहर में रहते हैं। उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, पर शायद खुद इस बारे में आपको कुछ बता सकते हैं। हम तो पहली बार उनके घर वालों से मिलने जा रहे थे और तभी ये हादसा हो गया। मैं कुछ समझा नहीं, जरा तफसील से बताइए, आप इन्हें कैसे जानती हैं और आपका क्या रिश्ता है इनसे? बड़ा पाक रिश्ता हमारा इनके साथ। इनसे हमारी पहली मुलाकात पहाड़ों में हुई थी। हम पहाड़ों में पेड़ पालने वाले कबीले से हैं साहब। हमारे कबीले के लोगों को बकरवाल कहते हैं। हम खानाबदोश हैं साहब। गर्मी के मौसम में हम पहाड़ियों की ऊंचाई तक जाते हैं, बनियाल, रामबान, डोडा, कुलगाम, यहाँ तक जाते हैं। हमारी बेड़े हमारे साथ चलती हैं, हम एक महीने तक चलते ही रहते हैं, फिर गर्मी खत्म होने तक हम वहाँ रुकते हैं और सर्दी शुरू होते तक हम वापस लौट आते हैं और फिर एक महीने तक चलते ही रहते हैं और जम्मू आकर रुकते हैं। जम्मू में 5 महीने तक रुकते हैं और फिर ऊपर की ओर लौट जाते हैं। कपड़े के प्लास्टिक के तंबू लगाकर हम कहीं भी रुक जाते हैं। ये अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने आए थे। अरे इस बकरी से अच्छा फोटो कहाँ होगा, पकड़ो। मोटे इधर से, अब दिखा एक एक फोटो सबका। अरे ओ बाबा साहब।
यहाँ से थोड़ा और ऊपर से। बाबा साहब, अरे हाँ बाबा साहब, किसे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ ऐसे, छोड़ो। क्या हुआ? चुरा कर ले जा रहे हो? अरे नहीं नहीं, भला हम इसे क्यों चुराएंगे? वो तो बस हम यूं ही। सलमा को ऐसी वैसी मत समझना, सलमा साहब जानती है। सलमा बड़ा ही प्यारा नाम है। नाम तो अच्छा है पर तुम लोगों का काम अच्छा नहीं है। इसे चुरा कर शहर ले जाकर बेचने का इरादा है ना? अरे हमारे कबीले वालों को पता चला ना तो तुम सबका ऐसा हशर करेंगे कि याद रखोगे, सलमा को तुम जानते नहीं हो। अच्छा अगर सलमा हमारे साथ एक फोटो खिंचवा ले तो हम 50 रुपए देंगे। सलमा फोटो वोटो नहीं खिंचवाती। अरे खिंचवाती नहीं का मतलब ये तो नहीं कि आज नहीं खिंचवा सकती। नहीं प्लीज, एक फोटो एक सलमा के साथ, एक फोटो। अच्छा मैं 50 रुपए दूंगा। नहीं नहीं नहीं। अच्छा 100, अब बना मत कर। ठीक है पर जल्दी है, हमें फुर्सत नहीं है। ए अमित जल्दी है, जल्दी है फोटो। मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ। आज तो सलमा के साथ फोटो खिंचवाने की हुई थी ना? तो सलमा के साथ तो फोटो खिंचवा रहा हूँ, और किसके साथ? सलमा हमारी बकरी का नाम है, बकरी का। चप्पा चप्पा चरखा चले, बनी बनी आरिया तेरी, बनी बनी आरिया तेरे। यारा बे, ओ यारा बे, अबे ये टॉर्च ही लाइट में क्या पढ़ रहा है तू? तेरे को पढ़ने ही था तो घर पे ही रहता है ना यारा बे? चुप कर यार अमित, कहानी बड़े इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच गई है। कम ऑन चाइल्ड, यू आर डांसिंग हियर। अमेजिंग, हाउ कुड ही डू इट यार? मैंने क्या किया? द मैन हु गेव ऑल हिज वेल्थ, he did not give him any kick yaar, sab kuch chhod chhod kar jungle mein chala gaya. I think isme bahut badhiya subplot hai. You and your books, impossible, tum sab pagal ho yaar. You know what Amit, what? Ek ladka kuch karne ki chaah mein duniya ko samajhne apne balbute ghar se nikal pada. So knew about it. Ek haath mein bhed li aur ek haath mein kitab. Very interesting. भेड़ों को चराता चराता वो दूर तक निकल जाता और जहाँ रुक जाता वहाँ किताब पढ़ने लगता, और जब वो किताब खत्म हो जाती तो अगले गांव या शहर से वो किताब देकर दूसरी किताब ले लेता। पढ़ने का काफी शौकीन था वो। तो हुआ यूं कि एक व्यापारी उस गांव में अपनी भेड़ की ऊन बेचने के लिए वहां रुक गया। वेरी इंटरेस्टिंग, द भेड़। उसकी लड़की उस लड़के पर लट्टू हो गई। वो लड़की अनपढ़ थी, उस लड़के के हाथ में किताब देखकर वो हैरान हो गई। तो इस तरह एक किताब के जरिए उन दोनों की मुलाकात हुई। मेरे भाई, लड़की और भेड़ के बीच में तुम्हारी किताब कहां से आ गई यार? तुम्हारे राइटर्स, एवरीबॉडी इज क्रेजी यार, तुम्हारा तो अल्लाह ही मालिक है। व्हाई व्हाई व्हाई? मेरे भाई एक बात बताऊं तुझे, दोस्तों दोस्त को वो लड़की कहीं पर चुप गई है यार, बहुत दर्द हो रहा है। कौन लड़की क्या है ये, तो हाइट हो गई यार। अब इतना भोला क्यों बन रहा है? मैं सलमा वाली की बात कर रहा हूँ, उसके चक्कर में तो तेरी कहानियों में भी भेड़ बकरी आने लगी है यार। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। हाँ यार, चुप सी तो गई वो, इतनी खूबसूरत। तो मेरे भाई शाहिद, अब तो एक बात बता कि अब तेरा क्या इरादा है? अब चांद के पार जाने का। चांद के पार चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार, चलो। ओ भाई चांद के पार आ जाओ, धरती पर पानी खत्म है यार। पानी क्या अब तक रखा रहेगा? हम 5 लड़के हैं और बॉटल सिर्फ 2 ही ली थी। मैंने पहले ही कहा था और पानी ले लो, बट इस वक्त मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। नाउ व्हाट टू डू?
कोई बात नहीं यार, कल सुबह मिल जाएगा, वैसे भी रात में कोई जरूरत नहीं है, डोंट वरी। प्यास लगी है यार। कोई बात नहीं यार, रात को तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे भाई शाहिद, एक हमारा ऐसा दोस्त है जो बहुत बीमार है, और उसको दवाई नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता है, और दवाई खाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, समझे? Shut up. Okay, I shut up, but I go and get water for us. अरे यार कहाँ मिलेगा पानी इस वक्त? अरे पकड़ो अमित, अमित तू भी जा, दो बोतल जल्दी आ। क्या कह लिया यार तू? शांत रहे, क्वेश्चन मत कर, चलता चल। ओए कौन है, कौन है? हमारी जान तो अब आपके हवाले है, अगर बचाना चाहती हैं तो वादा कीजिए। देखिए खुदा के वास्ते हम पर रहम करिए और यहाँ से चले जाइए। तो पहले वादा कीजिए। आपको खौफ नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। आप पागल हो गए हो क्या? आप समझते क्यों नहीं कि अभी बोलो, हमसे मिलने आओगी उसी झरने के पास जहां हम पहली बार मिले थे, उसी वक्त? शबक है। एक्सक्यूज मी, चलो तो खुदा आप इस आराम से हो, मैं जाता हूँ अपने घर।